नमस्कार दोस्तों, लाइफ आई टीचिंग की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार, राजस्थान से मैं हूं। और दोस्तों, मैं 2015 से RSET कंप्यूटर कोर्स करवा रहा हूँ, यानी कि एज ए टीचर मैं करवा रहा हूँ। और ऑनलाइन मैंने 2018 से शुरू किया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई बैच का जो हमारा एग्जाम हुआ है RSET का 3 मार्च 2019 को, तो उसका रिजल्ट कब आ सकता है, यानी कि हम एक अनुमान लगाएंगे और उस अनुमान के तौर पे आपको बताएंगे कि इस डेट को आ सकता है। और वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, पर दोस्तों मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी ही मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आपको RSET की A to Z बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन ही हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइफ हाई टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का एक बटन दिया हुआ है, रेड कलर का, उसे प्रेस करो, और उसके बगल में दिया हुआ है बेल आइकॉन, उसे भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हाई टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, RSET नहीं बताता है कि हम इस डेट को रिजल्ट जारी करेंगे, पर दोस्तों हम खुद का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए, अनुमान लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 30 सितंबर को एक RSET का एग्जाम हुआ था, तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट है वो आया था दोस्तों 10 अक्टूबर को, यानी कि 10 दिन के बाद में। इसके बाद में यानी कि 30 सितंबर के बाद में एग्जाम हुआ था दोस्तों 23 दिसंबर को, जो हुआ था दोस्तों जून बैच का। और उसका जो रिजल्ट है वो आया था दोस्तों 5 जनवरी को, यानी कि 13 दिन के बाद में। तो अगर इन दोनों डेट को देखा जाए, तो हमारा जो मार्च को जो एग्जाम हुआ है 3 मार्च को, तो उसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है दोस्तों 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। यानी कि आपका जो 3 मार्च को RSET का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट 13 से लेकर 20 मार्च के बीच बीच में आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिजल्ट को नेम वाइज और रोल नंबर वाइज कैसे चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक जरूरी सूचना मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, RSET का री एग्जाम है वो आप खुद कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके 14 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप प्लीज पहले तो RSET की ऑफिशियल जो आंसर की है उसे मिलान कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बावजूद भी दोस्तों, अगर आपके 14 क्वेश्चन से क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप RSET का जो री एग्जाम है वो खुद कैसे कर सकते हो। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं जिसमें स्टूडेंट कहते हैं कि सर, हमसे 500 रुपए भी लिए और हमारा री एग्जाम भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दूं, री एग्जाम करने के लिए ओनली 300 रुपए लगते हैं। ओके, तो री एग्जाम कैसे करना है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। और इसके अलावा एक बात और रह गई है, यानी कि RSET की जो नेक्स्ट बैच है, उनके एग्जाम डेट के बारे में भी हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपने अभी तक लाइफ हाई टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आप एक RSET स्टूडेंट हो, तो learnRSET.com पे बिल्कुल फ्री स्टडी प्रोवाइड करवाई जाती है, वहां पे आप जाकर स्टडी कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर RSET की नेक्स्ट वीडियो के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।